जन गण मन अधिनायक हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ राम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक है भारत भाग्य विधाता जय

हजर मौलाना महमूद हसन देवबंदी रमतल की खदमत के अतराफ़ में यादगारी डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है हिंद का ये इकदाम यकीन काबिल क़द्र औरबिल और सताइश है हमें उम्मीद है कि इस कदम से और इस इकदाम से बजुर्गों के कारनामों से कौम को रूस शनाख कराने का रास्ता खुलेगा इस मौके पर हम जहाँ वजी मवात हुकूमत हिंद जनाब किप्पल सुपल साहब के मशहूर हैं कि जिन्होंने जमतमा हिंद के इकतीसवें इजलास आम दहरी के किए गए अपने वादे को पूरा किया वहीं इज्जत आप सदर जमहूरिया हिंद जनाब प्रणब मुखर्जी साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस यादगार तकरीब में शिरकत करके उसकी इज्जत को दोबाला किया नींद में इस्टेज पर तश्ीफ फरमा तमाम मज़द मेहमानों और हाल में मौजूद तमाम हाजरीन का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने मौसम की शदत के बावजूद इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमें शुक्रिया का मौका इनायत किया शेख व हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहा अलैह अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखते थे एक तरफ जहाँ वोलूम नबूबत के शनावर और अजीम उस्ताद थे वहीं तहरीक आज़ादी के अजीम क़ायद थे उन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ जिस तहरीक का मनसूबा बनाया जो बाद में तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से मशहूर हुआ वो हजरत मौलाना की बेमिसाल वतनी और मिल गैरत की रोशन दलील है जमत हिंद का ये भी मुतालबा है कि हब्बान वतन में हजरत शेख ल हिंद का नाम सर फहर रखा जाए और उनका तारफ़ सरकारी निसाम में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के निसाम में शामिल किया जाए व आखरदा अलहमद लाबीआलम ये बहुत शुक्रिया नाउ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस जमतुलमाय हिंद एंड शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट फेलिसिटेशन विल बी डन बाय पंडित एन के शर्मा साहब आई रिक्वेस्ट पंडित एन के शर्मा साहब टू फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस Now, I request the Honorable Minister for Information Technology and Communication, who has made it possible for us to be here to deliver his speech. Mr. Kapil Sibbal, Minister of Information Technology and Communication. Mahamabeen Bharat ke Rashtrapati Sri Pranam Ji, Dr. Aziz Kosheshi. राज्यपाल उत्तराखंड मेरे सहयोगी श्री के रहमान ख़ान साहब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री करीब मोहम्मद उस्मान साहब महमूद ए मदनी साहब एन के शर्मा साहब इस मुबारक मौके मौके पर हाजिर तमाम हजरात और ख़वान 15 अगस्त उन्नीस को भारत ने एक आज़ाद देश के बतौर अपने सफ़र की शुरुआत की और देश ने लोकतांत्रिक असूलों को अपना विश्वास जाहिर किया हम भारतवासी आज एक उन्नत देश के बाशिंदे होने पर फक्र महसूस कर सकते हैं जो आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियतों में से एक है डाक विभाग के लिए ये फख्र की बात है कि वह पैंसठ वर्ष पूर्व स्वतंत्र भारत का सवेरा लाने वाले हस्तियों के योगदान के प्रति आदर व सम्मान जाहिर करते हुए सार दस साल डाक टिकट जारी कर करता रहा है आज ऐसा ही मौका है जब हम देशभक्तों के एक समूह के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से क्रांति लाने का प्रयास किया रेशमी रुमाल तहरीक से जुड़े हुए क्रांतिकारी ज़्यादातर देवबंद के दरुल के सम से संबंधित थे इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की बाबत भारत पर हमला करने के लिए अफ़गानिस्तान और तुर्की की सरकारों की हिमायत हासिल करना और साथ ही भारत में विद्रोह खड़ा करना था ओबेदुल्ला सिंघी और मौलाना महमूद हसन इस आंदोलन के दो अहम नेता थे अगस्त 1916 में रेशमी कपड़े पर लिखे हुए दस्तावेज अंग्रेजों के हाथ लग गए इसी कारण इस आंदोलन का नाम रेशमी रुमाल तहरीक पड़ा यह खत ओबेदुल्ला सिंघी ने काबुल से भेज भेजे थे और इन्हें मौलाना महमूद हसन के सुपुर्द किया जाना था जो उस समय मक्का में थे सेडिशन कमेटी रिपोर्ट 1918, वह पहला ब्रिटिश दस्तावेज था जिसमें इस आंदोलन के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों के अन्य क्रांतिकारी समूहों और क्रांतिकारियों के कार्यकलापों का और साजिशों का ब्यौरा प्रदान किया गया इस रिपोर्ट के अध्याय चार में रेशमी रुमाल षडयंत्रकारियों का जिक्र किया गया 1915 में ओबेदुल्ला सिंगी अफगानिस्तान चले गए जबकि मौलाना हिजाज के लिए रवाना हो गए ओबेदुल्ला सिंगी ने गदर पार्टी के नेताओं से संपर्क स्थापित किया और काबुल में आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की उद्घोषणा होने के उपरांत वे उसके गृह मंत्री बन गए राजा महेंद्र प्रताप इसके राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला एक गदर पार्टी नेता इसके प्रधानमंत्री थे हिजाज के तुर्क गवर्नर ने ऐलान जारी कर मुसलमानों मुसल्म, को ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद करने को कहा रेशम पर लिखे जो पत्र अंग्रेजों के हाथ लगे उनमें आजाद हिंद की अंतरिम सरकार का ब्यौरा और एक फौज खड़ी करने करने तथा त, तुर्की की सरकार का समर्थन हासिल करने का व्यापक योजना का विवरण था अंग्रेज़ों द्वारा इन पत्रों की जब्ती और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उठाए गए दमनकारी कदमों से इस आंदोलन का बड़ा कोई बड़ा झटका लगा अफगानिस्तान सरकार भी अफग़ानिस्तान में हिंदुस्तानी इनकलाबियों के प्रति उग्र हो गई इस बीच हिजाज ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और मौलाना महमूद हसन के साथ हुसैन अहमद मदनी और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और माल्टा भेज दिया गया डाक विभाग ने कुछ महीनों पहले स्मारक डाक टिकट जारी करके मदन साहब मदनी साहब के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया है और पिछले सप्ताह गदर आंदोलन की शताब्दी पर भी डाक टिकट जारी किया गया माल्टा की कड़ी कैद से गुजरने के बाद भी शेखुल हिंद भारतीय राजनीति के मंच पर और अधिक उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ने लगे हालांकि उस समय उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था मौलाना ने सभी लोगों से ब्रिटिश हुकूमत का सभी तरह से बहिष्कार करने का आग्रह किया उन्होंने सभी भारतीयों से एकता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया डाक विभाग भारत के स्वतंत्र आंदोलन में रेशमी रुमाल आंदोलन के योगदान के उपलक्ष में एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है अब मैं राष्ट्रपति जी को डाक टिकट जारी करने के लिए आमंत्रित करता हूँ